पतंगबाजी का सीजन आते ही अब चाइनीज मांझा भी बैन के बावजूद बाजारों में धड़ल्ले से बिक रहा है। कोटा में पतंग भंडारों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। आज भी नगर निगम की टीम ने शहर के कई इलाकों में घूमकर पतंग भंडारों पर कार्रवाई की। इनमें से एक दुकान तो ऐसी निकली जहां बर्तनों के अंदर चाइनीज मांझा छिपा रखा था। शहर के केशवपुरा क्षेत्र में बर्तन वाला ही पतंग मांझे का कारोबार कर रहा है, जिसने चाइनीज मांझे के कई रोल बर्तनों में छिपा रखे थे, जिन्हें छापा मारकर निगम की टीम ने जब्त कर लिया। संतोषी नगर, महावीर नगर, तलवंडी और केशवपुरा में विभिन्न दुकानों पर जो चाइनीज मांझा विक्रेता उन पर छापामार कार्रवाई करके चाइनीज रोल और चक्रे जब्त की, जिसमें अजीब बात ये देखने को मिली कि केशवपुरा चौराहे पे कंचन बर्तन वाला है, जिसने बर्तनों के अंदर चाइनीज मांझा को छुपा रखा था, वो दोनों व्यवसाय एक साथ करता है। हमें कहीं से खबर लगी कि इसने बर्तनों में काफ़ी मात्रा में छुपाए रखा है, तो हमने 41 चाइनीज रोल बड़े वाले उसके यहाँ से जब्त किए और उसको हिदायत दी कि अगर भविष्य में दोबारा अगर हमने छापा मारा और तेरे यहाँ मिल गया तो मुकदमा दर्ज करेंगे।